हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 जिसका नाम है विंडोज, यानी हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक विंडोज के हिसाब से हम किस प्रकार से किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं। जो भी हम हमारे एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर होगा, हम उसको किस हिसाब से उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। सो आज की पहली टॉपिक हमारी होने वाली है न्यू एंड नेविगेशन स्कीम सिलेक्शन फॉर विंडोज। मतलब जो भी नेविगेशन और भी नई कंपोनेंट्स लेआउट्स को जो हम ऐड करने वाले हैं, वो विंडोज के हिसाब से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि न्यू एंड नेविगेशन स्कीम के बारे में कि किस प्रकार से स्कीम होता क्या है और इसको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट विंडोज लेआउट, अगर कह रहा है कि जो भी विंडोज के अप्रोप्रिएट लेआउट है उसको सेलेक्ट करने के लिए, और नेविगेशन स्कीम एक तरह का क्रूशियल इंटरफेस होता है जो एक्ट करता है डायरेक्टली इंपैक्ट हाउ यूजर इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन और वेबसाइट। कि जब हम विंडोज पे किसी भी वर्क करते हैं, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप उसमें जाहिर सी बात है कि विंडोज को रन कर रहे हैं। और विंडोज के ऊपर जब आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेशन को, किसी वेबसाइट एप्लीकेशन को, तो वो क्या करता है कि जो भी इसके अंदर नेविगेशन है, विंडोज लेआउट है, वो डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर डालता है, यूजर्स के ऊपर डालता है। क्योंकि यूजर्स क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है कि विंडोज के ऊपर वर्क करता है, जो भी विंडो के लेआउट होते हैं विंडो के, उसके ऊपर काम करता है। अब आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो भी विंडो लेआउट है वो रिफर करता है एक अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट UI elements, मतलब कि जो भी तमाम तरह के different UI यानी user interface है, icon हो गया, text हो गया, ठीक है, card हो गया, हमारे पास website हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी window के अंदर। तो सारी different तरह की जो भी UI है उसको arrangement करने का काम जो करता है window लेआउट करता है। विंडो लेआउट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तमाम तरह के यूआई को, यूआई एलिमेंट होता है, कंटेंट होता है, यूजर इंटरफेस, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं। कह रहा है कि जो भी कंटेंट है, ठीक है, यूजर इंटरफेस, व्हाइल द नेविगेशन स्कीम डिटरमाइन हाउ यूजर मूव बिटवीन द स्क्रीन एंड अक्रॉस वेरियस फीचर। अब कह रहा है कि जो भी यूजर्स होता है, यूजर्स की जो भी स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स के ऊपर हमने जो भी फीचर्स दे रखा है, और उस स्क्रीन के हिसाब से जो भी उसका यूजर इंटरफेस है उस पे वो किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करके अपने फीचर्स का फायदा ले सकता है, जो भी हमारे एप्लीकेशन का, हमारे सॉफ्टवेयर का फीचर्स है उसको कैसे मतलब किस प्रकार से उस फीचर्स का फायदा ले सकता है, ये सारी चीजें आती है हमारे न्यू एंड नेविगेशन सीम के अंदर, यानी किस तरह से हमें नेविगेट कराना है। यहाँ पे कह रहा है कि हियर आर द सम कंसीडरेशन फॉर द चूजिंग द न्यू विंडो लेआउट एंड नेविगेशन सीम, किस तरह से हम विंडो लेआउट और नेविगेशन सीम को चूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यूजर सेंटर डिजाइन, ठीक है, यूजर सेंटर डिजाइन वन ऑफ द मेस्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। क्योंकि भाई जब आप अगर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या डिजाइन कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर या सर्विस को आप डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज है वो यूजर सेंटर्ड डिजाइन। क्योंकि सबसे पहले इसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है कि यूजर्स की नीड क्या है, यूजर्स के प्रेफरेंसेस क्या है। क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो किसके, जो भी ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बीच की जो भी गैप है, उस गैप को भरने के लिए हम, कि एक ह्यूमन एक टेक्नोलॉजी से इजिली कनेक्ट हो सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन करते हैं कि किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यूजर सेंटर डिजाइन में क्या होता है कि जो भी हम यूजर्स की नीड होती है, ठीक है, उसके प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, टारगेट ऑफ यूजर्स क्या होता है, इन सारी चीजों के लिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो यूजर सेंटर डिजाइन उन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लेआउट और नेविगेशन को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। कंसीडर दियर गोल, टास्क एंड एक्सपेक्टेड यूजर्स पैटर्न्स, तो ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, एक ऐसा यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं जिसपे यूजर अपने ही टास्क को इजिली परफॉर्म कर पाए, जो भी वो टास्क को परफॉर्म करना चाहता है। अब आती है कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन। कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट हम शो करा रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, सर्विस के ऊपर, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हो उसके ऊपर, तो कंटेंट वन ऑफ द मेजर पार्ट, ठीक है, कंटेंट भी एक तरह का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो कंटेंट के द्वारा मिलेगी या तो विजुअल के द्वारा मिलेगी, तो कंटेंट क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है।
तो कंटेंट भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट क्रूशियल कंटेंट एंड फीचर दैट यूजर विल इंटरेक्ट विद द फ्रीक्वेंटली। तो यूजर्स क्या करता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर सर्विस से अगर इंटरेक्ट कर पा रहा है तो किसकी बदौलत है कि कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन, हम उस कंटेंट को प्रायोरिटी देती हैं जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। और यूजर्स क्या करें, आसानी से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज एंड प्रोमिनेंटली, ठीक है, टू इंप्रूव यूजेबिलिटी एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, जिससे क्या होता है कि अब भाई कंटेंट प्रायोरिटाइजेशन करेंगे तो यूजर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, जब यूजर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो वहां पे हमारा यूजर एक्सपीरियंस एनहेंस होगा, और यूजर एक्सपीरियंस एनहेंस होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे बात आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सर्विस को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि हम कंसिस्टेंसी को हमेशा ध्यान में रखें। कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखने का मतलब होता है कि जब भी हम, अगर मान लो कि हमें कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि अगर हमने पेज स्टार्ट की है डिजाइन, एक तो फॉन्ट अगर हमने मान लिया कि कोई टाइपोग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कोई फॉन्ट ले लिया कि हेडिंग के लिए इस फॉन्ट का हम यूज करेंगे और पैरा के लिए इस फॉन्ट का यूज करेंगे, कलर का हमने सिलेक्शन कर लिया इस कलर और इस कलर, ये दो हमारे ब्रांड कलर है और इन दोनों ब्रांड कलर का हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी आ गए कि इंपॉर्टेंट, जैसे जो बटन्स हो गए या फिर और भी सारी चीजों, उनको हम इस कलर का यूज करेंगे। तो इस कंसिस्टेंसी को आपको हर एक पेज के अंदर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि इस पेज में आपने किसी और कलर का सिलेक्शन किया और ये दूसरे पेज में जाते ही आप किसी और फॉन्ट को ले लिए, साइज ले लिए, डिफरेंट पैराग्राफ की साइज ले लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके डिजाइन के अंदर, की मतलब जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी, जो एक बार आप लेआउट बना लिए कि नहीं हमने कंपोनेंट बना लिया कि हम, कि अगर हमने मान लिया कि लोरा टेक्स्ट या फिर रोबोटो फॉन्ट का यूज करेंगे, ठीक है, लोरा फॉन्ट या रोबोटो फॉन्ट का यूज करेंगे 18 पिक्सल्स पे, ठीक है, 18 पिक्सल्स बोल्ड या लाइट या रेगुलर करके हम यूज करेंगे, तो उसी पे आपको करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक पेज के अंदर आपको चेंज करना है। तो कंसिस्टेंसी यही होता है जिससे यूजर क्या करता है, इजिली इंटरेक्ट कर पाता है चीजों से आपके एप्लीकेशन के, ठीक है। उसके बाद आता है क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं तो चीजों को क्लियर रखें, सिंपल तरीके से रखें। ऐसा ना हो कि कोई अनटेक्निकल बंदा हो, या फिर कह सकते हैं जो जिस बंदे को टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आते हो वो आपके एप्लीकेशन का यूज न कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर सर्विस को डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान में देना चाहिए कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हो वो सिंपल हो, ठीक है, इजी हो, क्लियर हो, उसमें जो भी चीजें हो, जो भी चीजें हम प्रेजेंट करना चाहते हो, जो भी यूजर से कहना चाहते हो, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एक क्लियर वे में होनी चाहिए। उसके बाद हमारा था रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी एक तरह का मेजर पार्ट हो सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब आज के डेट में क्या है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिवाइस एग्जिस्ट करती है। अब अगर आपका जो भी सॉफ्टवेयर सर्विस अगर उन डिफरेंट टाइप की जो भी रिस्पॉन्सिव डिफरेंट तरह की अक्रॉस जो भी हमारी वेरियस डिजाइन्स है, डिवाइस है, ठीक है, उन डिवाइस को अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आप मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो भी आपका सॉफ्टवेयर सर्विस हो वो एक वेबसाइट या एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करे, डेस्कटॉप को सपोर्ट करे, लैपटॉप को सपोर्ट करे, टैबलेट को सपोर्ट करे, तो जितनी भी रेजुलेशंस या फिर स्क्रीन की साइजेस आती हैं हर एक स्क्रीन साइज को सपोर्ट करे, तो आप वहां से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यूजर्स को गेन कर सकते हैं। अब आती है विजुअल हायरार्की। विजुअल हायरार्की के अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी विंडो लेआउट होता है नेविगेशन करने के लिए, तो हम जो भी विजुअल हायरार्की होता है चीजों विजुअलाइज, जो भी विजुअल चीजें होती हैं उनको विजुअल दिखाना चाहते हैं। विजुअल सपोज दैट हम इमेज का यूज कर सकते हैं, आइकन्स का यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे विजुअल क्यूज है उसका यूज करके हम यूजर्स को क्या करते हैं, आसानी से जो भी चीजें हम गाइड करना चाहते हैं वो आसानी से गाइड करवाते हैं। नेविगेशन इफिशियंसी की अगर हम बात कर ले तो कह रहा है कि सेलेक्ट नेविगेशन स्कीम दैट इनेबल यूजर टू रीच दियर डिजायर्ड डेस्टिनेशन विद द मिनिमल एफर्ट, ठीक है। अब नेविगेशन इफर्ट का इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई यूजर्स क्या करता है एक नेविगेशन स्कीम का यूज करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि हम इनेबल कर देते हैं कि जो भी यूजर्स है, जो भी यूजर्स अपने टास्क को परफॉर्म करना चाहता है या फिर अपने डिजिग्नेशन पे पहुंचना चाहता है, तो कम से कम एफर्ट को परफॉर्म करके या कम से कम ऑपरेशन को परफॉर्म करके क्या करें, वहां तक पहुंच पाए। वेल ऑर्गेनाइज मींस मतलब क्या हो गया, सर्च फ्रीक्वेंसी
फंक्शनैलिटी हो गया एंड कम फॉरवर्ड बटन हो गया, ठीक है। जैसे क्या हो गया कि सर्च फंक्शनैलिटी बटन हो, तो सर्च फंक्शनैलिटी बटन आपने देखा होगा कि हर वेबसाइट के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि कम से कम, क्योंकि अगर किसी को कोई भी चीज सर्च करना हो तो ऊपर आए और तुरंत सर्च करे, क्योंकि वो क्या करता है कि यूजर्स के जो भी यूजर अपने टास्क को परफॉर्म कराना चाहता है वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। बैक एंड फॉरवर्ड बटन हो गया। अब भाई अगर हम किसी पेज के हैं, हम बैक पे पेज पे जाना चाहते हैं तो हम ऐसे कुछ बटन का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम साइड बटन का यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि यूजर जो भी टास्क परफॉर्म कर पा रहा है इजिली कर पाए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं, इसको हम नेविगेशन इफिशियंसी कहते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन की बात कर ले, तो हम कॉन्सिडर करते हैं जो भी कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन होता है, सच है जो भी हमारी चीजें होती है, जैसे रिलेटेड लिंक्स हो गए। लिंक्स की बात अगर हम कर ली, जैसे सपोज दैट क्या होगा कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर नेविगेशन बार होता है, जैसे होम होता है, अबाउट अस होता है, सर्विसेज होता है, और भी जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो अपना डाल के रखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह के टेक्स्ट तो है। टेक्स्ट के अंदर क्या होती है कि हम लिंक दे देते हैं। लिंक से क्या होता है कि यूजर्स क्या करता है, जैसे इस पर क्लिक करता है एक अनदर पेज के ऊपर मूव कर जाता है। तो उस टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक पाथ को देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन। कॉन्टेक्चुअल मतलब जो भी टेक्स्ट होता है उसके कॉन्टेक्ट में आने से हम नेविगेट कर लेते हैं। तो हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि हायरार्की एंड फ्लैट डिजाइन। देखो हायरार्की एंड फ्लैट डिजाइन का मतलब क्या होता है कि फ्लैट हायरार्की का मतलब हम समझते हैं, जो भी हायरार्की नेविगेशन होता है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल लेवल्स होते हैं। मल्टीपल लेवल्स इन द सेंस की मतलब अगर हमें किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें ए से बी तक जाना है सपोज दैट, ठीक है, तो हमें इसके बीच में कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक आती है फ्लैट डिजाइन। फ्लैट डिजाइन क्या होता है, सीधी डिजाइन, मतलब हम डायरेक्ट ए से बी तक पहुंच सकते हैं। तो हमें लगता है आपको हायरार्किकल डिजाइन का यूज करना चाहिए कि हर एक चीजों को, जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट अगर हम अपनी प्रोफाइल क्रिएशन को कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट फेज होंगे, उन सारे फेज को हमें क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। और फ्लैट डिजाइन के अंदर क्या होता है कि सारी चीजें डायरेक्ट होती हैं, हम जो भी फीचर्स होता है यूजर्स को, जो भी हम फीचर्स देना चाहते हैं, मतलब अगर आपकी हम बात कर ले ये यूजर्स है, ये और यूजर्स की हमारी क्या है, सर्विसेज है, फीचर्स है ये हमारे सॉफ्टवेयर की। तो यूजर्स क्या करेगा, अपने जो भी सर्विसेज हैं, जो भी उसके फीचर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के, उसका डायरेक्ट फायदा ले सकता है फ्लैट डिजाइन के अंदर। और हायरार्किकल डिजाइन के अंदर क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, मल्टीपल स्टेप में इस फीचर्स का यूज लेता है। तो कह रहा है कि चूज डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन एंड यूजर फैमिली विद द कंटेंट, ठीक है। तो आप इन दोनों को चूज कर सकते हैं, जिस तरह का आपका कॉम्प्लेक्सिटी, आपके एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। अब आगे बात आती है गेस्चर एंड इंटरेक्शन। गेस्चर एंड इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी टच बेस्ड डिवाइस पे काम करते हैं तो यूजर किस तरह से अपने गेस्चर के हिसाब से क्या करता है कि अपने डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है या हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। सच दैट क्या करते हैं, हम स्वैप कर लेते हैं, ठीक है, पंचिंग कर देते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्या आती है हमारे गेस्चर एंड इंटरेक्शन। मतलब जब आप फोन चलाते हैं तो फोन के अंदर जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, हाथ से आपको जहां पे क्लिक करना होता है, ड्रैग करना होता है, इन सारी चीजों को आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है यूजर टेस्टिंग एंड फीडबैक। यूजर टेस्टिंग का मतलब जब हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो हम कंडक्ट करते हैं यूजबिलिटी टेस्टिंग को। यूजबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है कि जो भी उसके अंदर वर्किंग होती है, मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसकी डिजाइन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, उन सारी चीजों को हम फिक्स करने का काम करते हैं। यूजर टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि यूजर टेस्ट करता है और फीडबैक देता है, उसके बाद जो भी डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अब आगे बात आती है एक्सेसबिलिटी। एक्सेसबिलिटी में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट अगर हम बात कर ले एक्सेसबिलिटी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया, सॉफ्टवेयर सर्विस बनाया, वो डिफरेंट तरह की लेआउट नेविगेशन जो भी है उस डिफरेंट तरह के डिवाइस को सपोर्ट करते हैं, यानी हर एक तरह की यूजर उसको उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें होती है हमारे एक्सेसिबिलिटी के अंदर। तो कह रहा है कि बाय केयरफुली सेलेक्टिंग द विंडोज लेआउट एंड नेविगेशन स्कीम, ठीक है, डिजाइनर्स कैन क्रिएट द यूजर फ्रेंडली एंड इनोवेटिव
इंटरफेस दैट एनहेंस द यूजर सेटिस्फेक्शन एंड प्रमोट द एफिशिएंसी इंटरेक्शन विद द एप्लीकेशन और वेबसाइट। तो कह रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं कि कोई एक डिजाइनर जब भी विंडो लेआउट और नेविगेशन स्कीम को डिजाइन करता है तो वो बहुत ही ध्यान में रखता है कि जो भी यूजर फ्रेंडली हो, इनोवेटिव हो, ठीक है, इंटरफेस एनहेंस करे यूजर्स के सेटिस्फेक्शन को, प्रमोट करे इफिशियंसी इंटरेक्शन को, ठीक है, इन सारी चीजों को प्रमोट करके यूजर्स क्या करता है कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर की डिजाइन करता है जहां से हम क्या करते हैं यूजर एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि जो भी यूजर सेंट्रिक डिजाइन होता है, ठीक है, थॉटफुल कंसीडरेशन एंड यूजेबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल लीड टू एन इंटरफेस दैट अलाइन द यूजर एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें होती है उसके अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि न्यू एंड नेविगेशन से स्कीम्स फॉर विंडोज लेआउट के लिए क्या क्या होती हैं सारी चीजें इसके अंदर। तो लगभग सारी चीजें सिमिलर होंगी जो कि हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं और यही सारी चीजें आपको मिलेंगी आगे भी। बाकी कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे हर टॉपिक के अंदर, कुछ टॉपिक्स सिमिलर होंगे और वो हर टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।